आईपीएल 2019 स्टीव स्मिथ के चले जाने के बाद राजस्थान ने अब इस खिलाड़ी को बनाया अपना कप्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच 53वां मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच को जीत जहां पॉइंट्स टेबल के टॉप दो में अपनी जगह बनाना चाहेगी, वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी अपना अंतिम मैच जीत प्लेऑफ में अपने पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कप्तान स्मिथ नहीं खेलेंगे मैच। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे। दरअसल वह विश्व कप की तैयारियों के लिए वापस अपने देश लौट चुके हैं, इसी वजह से वह अंतिम मैच में राजस्थान के लिए नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि स्टीव स्मिथ को इस सीजन बीच में कप्तानी मिली थी। उन्होंने इस सीजन के कप्तानी 5 मैचों में की, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को 3 मैच जिताए थे। वहीं उनकी कप्तानी में टीम को एक हार मिली थी और आरसीबी के खिलाफ मैच के कारण ड्रॉ साबित हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स के अजिंक्य रहाणे करेंगे टीम की कप्तानी। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे। बता दें कि उन्होंने टीम की कप्तानी शुरुआती 8 मैचों में की थी, लेकिन वह टीम को ज्यादा सफलता नहीं दिला पाए। उनकी कप्तानी में टीम को 6 हार एवं 2 जीत मिली थी। बता दें कि अजिंक्य रहाणे का कप्तानी करने का खुलासा क्रिकेट नेक्स्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके की है। राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट का फैसला हैरान करने वाला। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को यह फैसला काफी हैरान करने वाला लगता है, क्योंकि जब से रहाणे ने टीम की कप्तानी छोड़ी थी तब से उनके खेल में जबरदस्त निखार आया था। कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने इस आईपीएल में एक शानदार शतक भी लगाया था, लेकिन एक बार उन्हें कप्तानी देकर राजस्थान के मैनेजमेंट ने उन पर कप्तानी का अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।